अगर आपके WhatsApp पर भी ये साइन शो हो रहा है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साइन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि WhatsApp ने अभी भी बिल्कुल लॉन्च किया है, मीटा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि मीटा जो है आप जानते हैं सबके, वो ऐसी कंपनी है जो कि Instagram, Facebook और WhatsApp जो है एक ही कंपनी हैंडल करती है। जैसा कि पहले Instagram पर ये सिर्फ सहूलत मुयसर थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप अपनी पिक्चर्स एडिट कर सकते थे और अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते थे, अब ये जो है ऑप्शन WhatsApp पर भी आ गया, इसलिए इसमें परेशान होने की बात नहीं है। और अगर कुछ लोगों की ये अभी तक नहीं आई तो आप अपने WhatsApp को अपडेट करें तो आपके पास भी ये सहूलत आ जाएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपनी बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी डिटेल लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो आप इसकी हेल्प से, आपने जैसे उसको एक कीवर्ड देना है या एक सब्जेक्ट लिखना है जिस मौजू पर आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो आपको पूरा जो है लेक्चर लिखकर दे देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लिखें उस पर टुडेज न्यूज, तो पूरी दुनिया से रिलेटेड जितने भी आज की जो खबर होगी, जो भी जो है ब्रेकिंग न्यूज होगी, वो आपको उसी वक्त वहां पर मिल जाएगी। AI जनरेटर के जरिए आप जो है अपनी फोटोज भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं कि मुझे इस तरह की पिक्चर चाहिए, इस तरह का वॉलपेपर चाहिए, तो AI जनरेटर आपको उसी वक्त जनरेट करके दे देगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अब देखना यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। ये बहुत अच्छी इनोवेशन तो ज़रूर है। कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके आने से हम सब जॉबलेस हो जाएँ। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए माइक बोलता है तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।